बिहार विधानसभा की उपचुनाव में महागठबंधन के बिखरने के बाद अब एक बार फिर से देखिए महागठबंधन को छात्रों के आंदोलन के साथ साथ एक बहाना मिल गया है और यही एकजुटता एक बार फिर से देखने को मिली। आज देखिए अरसे बाद आरजेडी के इसी प्रदेश कार्यालय में जगदानंद सिंह के नेतृत्व में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई जिसमें राजद के साथ साथ कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौर के साथ साथ वाम दलों के भी नेता मौजूद रहे। हालांकि देखिए महागठबंधन हम इसलिए आपको एक बार याद दिलाना चाहते हैं क्योंकि आपने देखा था कि बिहार विधानसभा के उपचुनाव में दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतार कर जो है महागठबंधन को तार तार कर दिया था और ये कहा गया था कि गठबंधन धर्म का पालन नहीं हुआ। आज इसी आरजेडी के प्रदेश कार्यालय में जो है जगदानंद सिंह के नेतृत्व में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया गया। अरसे बाद आज आरजेडी कार्यालय में महागठबंधन के नेताओं ने साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इस दौरान आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह के साथ साथ कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर और वाम दलों के नेता भी मौजूद रहे और इससे ऐलान किया कि छात्रों की मांग के साथ महागठबंधन खड़ा है। दरअसल महागठबंधन की इस एकजुटता को विधान परिषद चुनाव के नज़रिए से ही देखा जा रहा है। स्थानीय निकाय कोटे से विधान परिषद की 24 सीटों पर चुनाव होना है और इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी से कुछ सीटों की मांग कर रही है। ऐसे में तेजस्वी यादव सीट शेयरिंग को लेकर बातचीत कर सकते हैं क्योंकि कांग्रेस से एक बार फिर आरजेडी के नेतृत्व में चली गई है और ये इसलिए बता रहे हैं आपको क्योंकि देखिए उपचुनाव जो हुए थे उसमें दोनों दलों ने अपने अपने उम्मीदवार उतारे थे। इससे जो है महागठबंधन क्या एकजुट है ये सवाल लगातार उठ रहे थे। हालांकि आज अरसे बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ और ये साफ किया गया कि एक बार फिर से छात्र के आंदोलन को महागठबंधन समर्थन करेगा। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह क्या कह रहे हैं आप सुने। पहले यहाँ जान लीजिए नेता प्रतिपक्ष पूरी प्रतिपक्ष यहाँ बैठा है, भूलिए मत। और नेता प्रतिपक्ष हो, विधानसभा हो, विधायक दल का नेता हो, एक संस्थाएं होती हैं। अब कहिए कि सीपीआई की आबकारी सेक्रेटरी आए, पूरा सीपीआई कहाँ है, ये कोई मतलब है क्या? ये हमारे सीपीएम के साथी हैं तो इनके सारे कैडर इनके पीछे खड़े हैं, हमारे माले के साथी इनके सारे विधायक राठौर जी हैं, सारे माने सारे लोग यहाँ बैठे हैं। इसलिए विषय सुनिए, चलो विषयों पर आवे, व्यक्ति पर जब चलोगे तो इसी तरह मोदी और नीतीश के पलटने वाले हुकूमत को देखते रह जाओगे। ये आम आदमी का विषय है, ये हमारा विषय, इनका विषय, इनका तेजस्वी जी का विषय नहीं है, ये विषय आम आदमी का है। भूख से जड़ा हुआ है और पेट की भूख की ज्वाला जब बढ़ेगी तो उस ज्वाला के भीतर कितने लोगों को जल जाना पड़ेगा कोई ठिकाना नहीं। बहुत साधारण चीज, साधारण, बचाओ देश को, बचाओ नौजवानों को, बचाओ गांव वाले लोगों को, बचाओ उस परिवार को, जो बहुत सीधी सी बात है। पटना अब आप ही बता दो FIR कौन सी कहा कि वह अपनी रोटी मांग रहा है, किस बात के लिए फेयर कर रहे हो? और सुने, जब भूल सुधारी जाती है तो उनके भूल का परिणाम है कि कुछ FIR हुए होंगे। FIR के नाम पर, FIR के लिए बच्चे हमारे नहीं आए थे, रोटी के लिए आए थे। इसलिए हम लोग सरकार से कहते हैं संवेदनशीलता दिखाइए। माथा तो आपने तोड़ ही दिया, दवा परिवार करा रहा है, सभी लोग मिलके करा रहे हैं, लेकिन FIR नाम की चीज मत करिए, हटाइए FIR। ये लड़ाई और संघर्ष का विषय नहीं है, निर्माण के लिए पूरे समाज को खड़ा करिए। FIR तो खत्म करना ही पड़ेगा, संवाद करिए। लेकिन तंत्र मंत्र के बादशाह भारत के जाने माने सर्वश्रेष्ठ गुरु खान जी मिलेगा हर समस्या का समाधान गारंटी के साथ। मेरी बेटी की शादी के लिए बहुत से रिश्ते आते थे पर कोई न कोई अड़चन पड़ जाती थी, इसी वजह से मेरा पूरा परिवार बहुत परेशान था। बाबा जी की दुआओं से आज मेरी बेटी एक बड़े घर की बहू बनी। भटको चाहे जहां, काम होगा सिर्फ यहां। ग्रह कलेश, कर्ज मुक्ति, प्रेम विवाह, जादू टोना, पति पत्नी में अनबन,
सौतन या दुश्मन से छुटकारा, विदेश यात्रा में रुकावट, फिल्मों में प्रवेश और कोर्ट कचहरी जैसी समस्याओं का समाधान। सभी समस्याओं का समाधान गुरु खान जी। अभी कॉल करें 982170796।